2005 ठीक 8:52 पर जलजला क्या आया, न सिर्फ 80,000 जाने चली गई, बल्कि अपने पीछे ऐसे दर्दनाक कहानियां छोड़ गए जिनका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी ही एक कहानी है शगुफ्ता बीबी की। पाक फौज के मुलाजिम इफ्तिखार का ये हंसता बस्ता खानदान गोया सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मैं अपील करती हूँ, मेरे भाई बहन का राज कर दें और मामा पापा का राज कर दें और हमारा घर दे दें, अपना घर दे दें और हमारे पापा की जॉब दे दें। खानदान का सरबरा इफ्तिखार और तीन बच्चे हैं कि मौजी अमराज ने बस ऐसा घेरा कि बस कहने को जिंदा है। खुद भी बीमार हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं जिनमें से 3 बच्चे माजूर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त है कि मेरे मुझे घर दिया जाए और मेरे बच्चों का इलाज और मेरा इलाज कराया जाए। घर की गाड़ी है और बस शगुफ्ता, न दिन चैन न रात सुकून, ऊपर से फिक्र ये कि मुश्किलात की सयार रात कटेगी तो कब कटेगी। सबकी माँ रियासत तो है मगर इसे फिक्र ही नहीं। अपील करती हूँ कि हमारी जल्द और जल्द मदद की जाए और इन बच्चों का इलाज किया जाए और हमारा मकान के लिए एक कमरा भी हो, हम गुजारा कर लेंगे। 13 साल बाद भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर अरबों की इमदाद लगी तो कहाँ लगी, क्योंकि शगुफ्ता जैसी सैकड़ों कहानियाँ अब भी मौजूद है। 8 अक्टूबर 2005 की जलजले में शगुफ्ता बीबी समेत लाखों अफराद पर जो कयामत टूट पड़ी उसके तस्वुर से ही रूह कांप जाती है, मगर 3 बच्चों और खावन की मौजी मरज की सूरत में तवील रात है कि कटने का नाम ही नहीं ले रही। कैमरामैन हमदोश डार के साथ जिशान सैयद, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।